मारुति की यह कार देगी 200 किलोमीटर का माइलेज, विटारा ब्राजा से होगी सस्ती। इन दिनों मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कार वैगनर के इलेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। बता दें, करीब 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वैगनर की देश भर में टेस्टिंग हो रही है। बीते दिनों इन्हें बरसात के दौरान गुड़गांव और बर्फबारी के दौरान शिमला में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति वैगनर का इलेक्ट्रिक वर्जन देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी। पूरी तरह इलेक्ट्रिक मारुति सुजुकी वैगन आरईवी भारतीय बाजार में साल 2020 में डेब्यू करेगी और इसकी कीमत 7 लाख रुपए से नीचे हो सकती है। इस कीमत में फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के तहत सभी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए सब्सिडी शामिल है। हमारे सूत्रों के मुताबिक सभी सब्सिडी के बाद ऑन रोड कीमत और मौजूदा सब्सिडी संरचना के आधार पर इसकी कीमत 7.5 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। मारुति वैगनर को शुरू में 10 लाख रुपए की कीमत में उतारे जाने की उम्मीद थी, लेकिन लागत में यह 25% की कमी के साथ संयुक्त रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार चार्ज होने पर यह कार 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी। अभी इस बात से साफ नहीं हो पाया है कि कार में फास्ट चार्जिंग की तकनीक दी जाएगी या नहीं, लेकिन नए डीसी चार्जर के जरिए इसे 80% चार्ज होने में 40 मिनट का समय लगेगा। नई इलेक्ट्रिक मारुति सुजुकी वैगनर का मुकाबला महिंद्रा ई-2O से है, लेकिन कंपनी ई-2O को इस साल के अंत तक बंद कर देगी क्योंकि यह आने वाले सेफ्टी और क्रैश टेस्ट के मानकों पर खरी नहीं उतरती। वैगनर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च के समय भारत में एकमात्र सस्ती इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक हो सकती है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेटेस्ट इंफोटेनमेंट पैकेज जैसे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ अपडेटेड यूजर इंटरफेस और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी विकल्प जैसे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दिए जाएंगे।